बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उत्तराखंड के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने आज अपने 63 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बड़े नामों में देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी, सहसपुर से किशोर उपाध्याय, श्रीनगर से गणेश गोदियाल और हल्द्वानी से इंदिरा हृदेश शामिल हैं। सीएम हरीश रावत हरिद्वार और किच्छा दो जगहों से चुनावी मैदान में हैं। इससे साफ हो गया है कि पहाड़ छोड़कर इस बार हरीश रावत चुनाव तराई के मैदान में लड़ेंगे। फिलहाल हरीश रावत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला सीट से विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही तूफान भी खड़ा हो गया है। टिकट बंटवारे से नाराज नवीन बिष्ट और अयेंद्र शर्मा के समर्थकों ने देहरादून दफ्तर पर तोड़फोड़ की। दरअसल सहसपुर विधानसभा सीट से अयेंद्र शर्मा ने पिछले साल विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार यहां से किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिससे अयेंद्र शर्मा और नवीन बिष्ट के समर्थक नाराज हैं। तो उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं और अब तो खुलकर विरोध भी किया जा रहा है। वैसे बीजेपी में भी टिकट वितरण पर खटपट शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो देने से खासा नाराज हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।